वेलकम एवरीबडी, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट जेज फुल कास्केट। इट्स प्रूनिंग, क्लस्टरिंग टेक्निक्स एंड रिपॉटिंग। सो लेट्स स्टार्ट। हेलो गाइस, बोनसाई केसरी में फिर से एक बार स्वागत है। आज का हमारा टास्क है, ये जो हमारा फुल कास्केट जेड प्लांट है, इसको हम प्रूनिंग, रिपॉटिंग एंड न्यू पॉटिंग मिक्स देंगे। पॉट आई थिंक में भी वही सेम रखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको मैंने 1 मंथ पहले टेरेस पे रखा है, इसमें बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ आ गई है। मेरा लास्ट वीडियो आप चेक करेंगे तो उसमें इतनी लंबी लंबे ब्रांचेस नहीं थे। बहुत ही सॉफ्ट वुड होता है, तो हम आराम से इस कटर से कट जाएगा। ये प्रूनिंग स्टार्ट करते हैं। वी आर ऑलमोस्ट डन हेयर। मैंने जितना भी क्लटर था सब डी क्लटर कर दिया है। कोई भी ब्रांच जो नीचे जा रही है उसको रिमूव करना है, जैसे कि ये किए। एक लेवल से, आई लेवल से नीचे कोई चीज़ जा रही है, उस ब्रांच के पैरेलल नीचे जा रही है, तो उसको वी हैव टू रिमूव इट। एंड we'll take a look, how does it look like from top to bottom. काफ़ी कुछ decongest हुआ है, काफ़ी कुछ declutter हुआ है, लेकिन अभी काफ़ी growth की ज़रूरत है। Let me take a step back and see whether it needs some more work. I think I need to remove one more branch here. Yeah. अभी यहाँ पर एक क्लस्टर बनेगा, एक इधर नीचे। More or less done. We'll do repotting and put some compost in it. चलिए तो let's start the repotting process. Support का जो पत्थर है उसको निकालना पड़ेगा पहले।
ये टास्क करना था, इसलिए मैंने इसको 3 दिन से वाटरिंग नहीं की थी। दैट्स व्हाई इट कुड कम आउट प्रॉपरली। और इसका रूट बॉल हम ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ऑलरेडी काफ़ी लूज सॉइल में लगा हुआ है ये, मोस्ट ऑफ इट इज सैंड। We'll just prepare the soil mixture and put it back. Soil mixture हम prepare कर लेते हैं, compost। कोकोपीट 20% कॉम्पोस्ट, 20% कोकोपीट, रेस्ट इसका जो खुद का सॉइल था वही। मिक्स इट वेल। सैंड इसमें ऑलरेडी है पहले से ही। Time to depot. Oh. I'll use the same pot again. I filled it, I think 2/3, because I want to इसको बाहर थोड़ा सा निकालना है roots। And again I have to put it back the support। And fill it with soil. Push it nicely. Go peat or compost अभी नीचे सब settle down हो जाएगा। That's it। थोड़ा सा कॉम्पोस्ट ऊपर से फॉर नाइस लुकिंग ब्लैक कलर। सो हियर वी हैव अवर जेड फुल कास्केट बींग रिपॉटेड, प्रूंड एंड नई सॉइल मिक्सचर भी इसको मिल गया। इसको हम छाया में रख देंगे, मे बी 15 days, देन विल ब्रिंग इट आउट टू सन। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लाइक सब्सक्राइब बोनसाई केसरी, ऑल द बेस्ट।